नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। स्वामित्व योजना के तहत चल रहे कार्य में जिला महेंद्रगढ़ प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। जिले की कुल 346 ग्राम पंचायतों में 186 गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है। अब इन गांव के नागरिकों को मालिकाना हक देने के लिए रजिस्ट्रियां बनाने का काम एक प्रक्रिया के तहत लगातार जारी रहेगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम के बाद लघु सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि जिला महेंद्रगढ़ में ड्रोन फ्लाइंग का कार्य सभी गांव में हो चुका है। कुल 186 गांव को अब तक लाल डोरा मुक्त कर दिया गया है। नक्शा बनाने के बाद ग्रामीणों से दावे और आपत्तियां मांगी गई थी, बाद में पंचायत सभा में पास करके मालिकाना हक सौंपा जाता है। अगर कोई आपत्ति दर्ज करवाता है तो उस प्रॉपर्टी पर कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से फैसला होता रहेगा, जबकि शेष प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बनाने का काम लगातार चलता रहेगा। वहीं जिला स्तर पर उपायुक्त अजय कुमार ने लघु सचिवालय में कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए जिला के गांव हसनपुर के 5 नागरिकों को स्वामित्व स्कीम के तहत रजिस्ट्री सौंपी। अब उनकी प्रॉपर्टी पर किसी तरह का कब्जा आदि होने का भय नहीं रहेगा, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें सामाजिक तौर पर मजबूती मिलेगी, अपनी प्रॉपर्टी पर अब वे कानून अनुसार निश्चित होकर प्रयोग भी कर पाएंगे। नांगल चौधरी से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की रिपोर्ट। स्वामित्व योजना के तहत जिला महेंद्रगढ़ में कुल 186 ग्राम पंचायतों को जो है लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है। इसमें 18 पंचायतें पिछले उस चरण में हुई थी और आज जो है बाकी जो 168 हैं वो ग्राम पंचायतों को लाल डोरा मुक्त किया गया है। कुछ 5 लाभार्थियों कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए आज यहाँ बुला के उनको जो संपत्ति पत्र है वो उनको प्रदान किया गया। 186 जो कुल गांव हैं वो नंबर जो है हरियाणा में उस के तहत जिला महेंद्रगढ़ सबसे आगे चल रहा है। बेसिकली संपत्ति पत्र मालिकाना हक का एक जो प्रूफ है वो लाल डोरा के अंदर रहने वाले जो हमारे ग्रामवासी हैं उनको मिला है। इस पत्र के तहत अगर उन्होंने कोई लोन लेना है मॉर्गेज करके प्रॉपर्टी को तो वो कर सकते हैं, और ये प्रूफ जो है कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है वो भी संपत्ति पत्र उसमें ये इस्तेमाल कर सकते हैं।